तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। देखो, एयरफोर्स के अंदर नई भर्ती का नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा देखो अग्निवीर के पदों के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, और ये नोटिफिकेशन है 2500 पदों के लिए जारी किया गया। अच्छी भर्ती निकल के आई है। जो भी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती का इंतजार कर रहे थे विद्यार्थी, उनके लिए अच्छा मौका है इसमें नौकरी लगने का। देखो 2500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और इसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी वो आवेदन कर सकते हैं। अब देखो इसमें आवेदन फॉरम आपके कब से स्टार्ट है, फॉरम कब तक भरे जाएंगे, आपको मैं सारी जानकारी बताऊंगा। और इस भर्ती की जो फॉरम है आपको ये ऑनलाइन भरने हैं, ऑनलाइन फॉरम वो रखे गए हैं फॉरम भरने के लिए। अब एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है और आवेदन फॉरम शुरू हो चुके हैं। 12वीं पास जो स्टूडेंट हो रखा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, पुरुष और महिला दोनों के लिए भर्ती निकल के आई है एयरफोर्स अग्निवीर पदों के लिए। देखो इसमें 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, और आपके इसमें फॉरम भरने के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है, फॉरम भरने के लिए आपके एप्लीकेशन फीस है वो कितनी रखी गई है फॉरम भरने के लिए, शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, और आपका इस भर्ती के लिए सिलेक्शन है वो कैसे होगा, आपको मैं सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा हमारी बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर। कि जो भी स्टूडेंट है एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती के लिए अपना आवेदन फॉरम भरना चाहता है तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, सब कुछ जानकारी आपको मैं स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ। तो आ चुके हैं बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती 2024 का आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अब जो भी स्टूडेंट है इंडियन एयरफोर्स भर्ती के लिए फॉरम अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी और कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी अग्निवीर भर्ती की। देखो जो बोर्ड है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अग्निवीर होता है उनके पदों के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। आगे बात करते हैं टोटल इसमें जो पोस्टें रखी गई है कितने इसमें पद वो रखे गए हैं। देखो इसमें जो टोटल पोस्टें रखी गई है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अग्निवीर के पदों के लिए, टोटल इसमें पोस्टें हैं वो 2500 पद वो रखे गए हैं। 2500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी स्टूडेंट फॉरम अप्लाई करना चाहता है तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जॉब लोकेशन है ऑल इंडिया, किसी भी राज्य का स्टूडेंट है वो आवेदन कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया के लिए जारी किया गया है, किसी भी राज्य का स्टूडेंट है वो फॉरम भर सकता है 2500 पदों के लिए। और आपकी जो फॉरम होगी आपको ये ऑनलाइन भरने हैं, ऑनलाइन फॉरम वो रखे गए हैं। आगे देखो बात करते हैं फॉरम आपके कब से स्टार्ट है और फॉरम आपके कब तक भरे जाएंगे इस इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती के। स्टार्टिंग जो फॉरम डेट है वो 8 जुलाई 2024 से शुरू हो चुके हैं। 8 जुलाई से आपके आवेदन फॉरम है आपके वो शुरू हो चुके हैं, आप आवेदन फॉरम भर सकते हैं। बोर्ड के द्वारा आवेदन फॉरम लिंक वो जारी कर दी गई है, और फॉरम भरने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 28 जुलाई 2024 तक आप अपना आवेदन फॉरम भर सकते हैं। 8 जुलाई से फॉरम शुरू हो चुके हैं और 28 जुलाई तक आपके फॉरम भरे जाएंगे। देखो आगे बात करते हैं इसमें जो आयु सीमा है वो अलग रखी गई है, आयु सीमा किस प्रकार से रखी गई है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए। जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट है वो इस प्रकार से रखी गई है। देखो 3 जुलाई 2024 से 3 जनवरी 2008 के मध्य जन्म होना चाहिए वो स्टूडेंट आवेदन फॉरम भर सकता है, और आपकी एज की कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। इस प्रकार से 2024 को इस प्रकार से आपकी मैक्सिमम एज लिमिट और मिनिमम एज लिमिट है वो रखी गई है, तो विद्यार्थी आवेदन फॉरम वो भर सकते हैं। आगे देखो आपके जो फॉरम भरने के लिए एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन चार्ज वो क्या रखा गया है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी हो गई, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो विद्यार्थी उनके लिए 550 रुपये आवेदन शुल्क वो रखा गया है फॉरम भरने के लिए। बाकी एप्लीकेशन फीस की बात करें एसएसटी पीडब्ल्यूडी का जो कैंडिडेट है उनके लिए 550 रुपये आवेदन फीस रखी गई है फॉरम भरने के लिए, और आपका जो पेमेंट होगा आपको ये ऑनलाइन जमा करवाना है। जो भी आपका एप्लीकेशन चार्ज है जिस भी कैटेगरी का आपको ये ऑनलाइन जमा करवाना है। आगे बात करते हैं देखो आपकी शैक्षणिक योग्यता वो क्या रखी गई है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती के लिए। देखो इसके लिए जो उम्मीदवार आवेदन फॉरम भरेगा उसके लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता वो अलग अलग रखी गई है, जिसमें देखो इसके लिए उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास के साथ में आपने जो मैथ होगी, भौतिक विज्ञान होगी एवं अंग्रेजी सब्जेक्ट के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए, यानी उत्तीर्ण होना चाहिए। आपने 12वीं कक्षा में आर्ट्स ले रखी है तो वो स्टूडेंट आवेदन नहीं कर सकता। 12वीं के अंदर जिसके पास गणित, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी सब्जेक्ट के साथ 50% न्यूनतम अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन फॉरम भर सकते हैं, और अंग्रेजी में भी न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है, अथवा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से
या आपने कोई इंजीनियरिंग का 3 साल का कोई डिप्लोमा कर रखा है स्टूडेंट, वो भी आवेदन फॉर्म भर सकता है। 2 साल एक कोर्स न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास है, 2 स्टूडेंट आवेदन कर सकता है। तो इस प्रकार से आपकी ये शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो आपकी शैक्षणिक योग्यता ये मांगी गई है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती के लिए 12वीं पास के साथ में जो आपके मैथ हो गई, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी हो गई आपके, उनके साथ में 50% अंकों के साथ आप पास है तो आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखो इंडियन एयरफोर्स भर्ती के लिए आपका जो चयन है वो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले देखो आपका इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम लगेगा। जो भी स्टूडेंट इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म भरेगा, एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, और आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती के लिए। तो देखो इस प्रकार से ये भर्ती जारी की गई और मैंने आपको सारी जानकारी बता दी इस भर्ती में कौन अप्लाई कर सकता है, आपकी योग्यता, आयु सीमा, एप्लीकेशन फीस। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। जो भी नई भर्ती आएगी, जो भी नई योजनाएँ आती है, आपको हमारे 5G दुनिया स्टडी न्यूज चैनल के ऊपर 5 अपडेट आपको मिलती रहेगी।